जहरीली शराब से कैप्टन सरकार अपन के सवालों का भी निशाना बन चुकी है। लुधियाना तो लोग सभा मैंबर रवनीत बिट्टू, राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा अते एक सीनियर कांग्रेसी लीडर अश्विनी सेखड़ी की प्रतिक्रिया सरकार नूं सवालों के घेरे च लियांदी है। सब तो पहला रवनीत बिट्टू का यह बयान सुनो जो उन्होंने सोशल मीडिया से जारी किया है। बिट्टू लिखते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जहरीली शराब के दुखांत हादसे जिस विच 86 लोगों की जान गई है दे संबंध में 7 आबकारी अफसर 6 पुलिस अधिकारियों सस्पेंड कर दिता है, पर यह गिरोह मुठ्ठी भर अधिकारियों तक सीमित नहीं है। इस समस्या की असल जड़ा कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल राजनीतिक लोग ने। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करदा कि वह जांच का हुक्म देन अते इस दे पिछे दे राजनीतिक लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करन अते एक मिसाल कायम करन तां जो भविख विच अजिहियां घटनावां ना वापरन। इस घटना के पीड़ित परिवारों प्रति मेरी दिली हमदर्दी है अते मैं अरदास करदा कि इस घटना के लिए जिम्मेवार सारे लोगों नूं सज़ा मिलेगी। तां इह सवाल रवनीत सिंह बिट्टू ने चुके केस दे पिछे मुट्ठी भर अधिकारी नहीं बल्कि राजनीतिक लोग भी शामिल ने। उधर राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने भी कैप्टन सरकार की कारगुजारी ते सवाल चुके ते कुछ सुझाव दिते ने। ये साढ़े वास्ते एक बहुत वड्डा चिंता का विषय। साड़ी पार्टी अज तो 3.5 साल पहला इस वादे नाल आई सी कि असी हर किस्म का जिहड़ा नशा है उहदे ते रोक पावांगे, बट मैनू अफसोस नाल कहना पै रहा कि गवर्नमेंट की हर कोशिश के बावजूद भी असी ये सफल नहीं हो पाए। मैं अज चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को एक गल कहना चाहना कि अज तो 2 साल पहले दशहरे वाले दिन तकरीबन 60 तो वध लोग इस तरह ही एक दर्दनाक घटना दे विच एक रेलवे एक्सीडेंट दे विच मारे गए सी अमृतसर च। उत्थे भी एक स्पैशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बिठाई गई सी गवर्नमेंट वालों जिहड़ी अजे तक बेसिट्टा ही निकली। उस तो बाद 1 साल बाद बटाले दे विच पटाकियां दी एक इलीगल फैक्टरी शहर दे विच उहदे विच अग लग गई जिहदे नाल 23 लोग अपनी जान गवा बैठे ते 27 लोग बहुत सख्त रूप दे विच जख्मी हो गए। आ तीजी वारदात साडे बॉर्डर दे माझे दे ज़िले विच हुई है। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तुहानू इको अपील करांगा कि जे लोगों नाल दित्ती हुई कमिटमेंट की गंभीरता विखानी है तो तुहानू इमीजिएटली चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट नूं रिक्वेस्ट करके बेनती करके एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज उन्हां कोल तफतीश कराई जाए, उन्हां दी एक कमेटी बनाई जाए, उन्हां नूं कहा जाए कि एक टाइम बाउंड 30 दिनों के विच वो लोग जिहड़े देसी शराब का काम करते जिहदे कारण इन्नियां मौतां होईयां या जिहड़ियां पिछे इलीगल डिस्टिलरियां फड़ियां गईयां गवर्नमेंट दे लाइसेंस तो बिना, जिहड़ी खन्ने दे विच, जिहड़ी राजपुरे दे विच, जिहड़ी कनौर दे विच फैक्ट्रियां फड़ियां गईयां या जिहड़ियां डिस्टिलरियां गवर्नमेंट को लाइसेंस लै के भी 2 नंबर का काम करदियां शराब वड्डे पैमाने ते बाहरले सूबिआं विच भेजदियां ने ते पंजाब दे खजाने नूं मोटा चूना ला रहियां, वह जिहड़े जिम्मेवार लोग ने उन्होंने जे असी सही मायने दे विच पर्दाफाश करना चाहते हैं तो होर तुहाडी लोकलाइज्ड किसी डिविजनल कमिश्नर ने या किसी SIT को यह काम नहीं होना, किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज को करवाओ 30 दिनों तो इन्हां लोगों नूं फिर कटहरे में खड़ा करो तो इन्हां दोषियों नूं असी जिहड़े पंजाब के दुश्मन ने इन्हां नूं असी कचहरियों के जरिए जेलों दीआं सलाखां के पिछे बंद करवाईए। एक मैं अफसर वास्ते भी कहना चाहना इमीजिएटली जिन्हां ज़िलों में काम होया उतों कानून एक नवे पुलिस के कानून बनाओ जिहदे विच जिथे भी इस किस्म की वड्डी वारदात हुंदी है जाना जांदियां ने उतों का SSP इमीजिएटली ट्रांसफर किया जाए। 1 साल वास्ते उहनूं कोई फील्ड पोस्टिंग ना दिती जाए, 1 साल उहदी हर प्रमोशन भी रोकी जाए। इहदे नाल ही DSP जिहड़े ने डिविजनल सुपरिटेंडेंट पुलिस जिहदी ज्यूरिसडिक्शन च ये वारदात होई है उहनूं भी मौके ते ही उतों बदल देना चाहिए तो 2 साल वास्ते उन्हों भी एक कानून बनाओ कि फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उन्हों कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी। इस तरह ही SHO जिहड़ा उन्हों 3 साल वास्ते ट्रांसफर करने तो बाद समुचे पंजाब दे विच किसे थाने दे विच भी ड्यूटी करने वास्ते एक बकायदा तौर उहदे ते रोक ला दी जाए, उहदी प्रमोशन ते रोक ला दी जाए।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 62 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਗੁਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾ ਪਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਫਸਰ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਖੜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਕਥਿਤ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੇਖੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣਗੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।